Ladies and gentlemen, welcome to a bright sunny day in Perth, Australia. आज हम लोग आए हैं इंडिपेंडेंस डे की परेड के लिए. आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे हम इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाते हैं, वो भी दोस्तों के बीच में, फैमिलीज़ के बीच में और अपनी कम्युनिटीज़ के बीच में. चलिए आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं. कि हम 15 अगस्त को हमेशा इंडिपेंडेंस डे यहाँ पे नहीं मनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिया डे परेड. नॉर्मली हम इसको मनाते हैं किसी एक संडे पे जो 15 अगस्त की या पहले हो या बाद में. तो आज का जो डेट है वो है 11th of August, जो यहाँ का संडे है. एंड दैट्स अ कन्वीनियंट टाइम जब सबकी छुट्टी नहीं हो, सबकी छुट्टी होती है, स्कूल छुट्टी होती है और लोग यहाँ पे आ जाते हैं सब अपना एंजॉय करने. चलिए देखिए मेरे पीछे क्या. तो यहाँ पे हर एक एसोसिएशन की अपनी परेड की एक प्लाकार्ड होती है, उसी को लेके हम लोग पूरा मार्च करते हैं पूरे शहर के बीच में. चलिए अभी आपको दिखाते हैं यहाँ का एक्टिविटीज़ क्या हैं. मैं एक आपको बैकग्राउंड देता हूँ. यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ऐसे एसोसिएशन हैं जो अपने कम्युनिटीज़, इंडियन कम्युनिटी से अभी भी जुड़े हुए हैं. आई एम पार्ट ऑफ दी एसएमईस एसोसिएशन. सिमिलरली देयर इज जेएनके एसोसिएशन, राजस्थानी कुटुंब, बंगाली एसोसिएशन, द तमिल एसोसिएशन, महाराष्ट्र मंडली, एंड यू नेम इट यू हैव एवरीवन ऑलमोस्ट. और सब लोग जमा होते हैं एक ऐसे इंडिया डे परेड के टाइम पे जहाँ पे हम लोग अपने परेड अपने प्लकार्ड्स लेते हैं और पूरे सिटी में एक चक्कर लगाते हैं. इट्स मोर लाइक अ मार्च पास विच कल्मिनेट्स टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट गार्डन्स, जो यहाँ का सबसे पॉपुलर एरिया है. वहाँ पे एक बहुत अच्छा फंक्शन होता है. तो अभी हम लोग वही करने जा रहे हैं. हम लोग जुड़ने जा रहे हैं अपने ग्रुप के साथ और फिर वहाँ से फिर चलेंगे परेड पे. पहले का पर्थ, 1940s का पर्थ कैसा दिखता था ये आपके लिए. सो दिस प्लेस इज कॉल्ड फॉरेस्ट चेज. दिस इज़ द मोस्ट सेंटर मोस्ट प्लेस इन द सिटी. यहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं यहाँ पे होते हैं.
सेक्टर है और ये टेक ओवर होने वाला है बहुत सारे इंडियंस के साथ, जो अभी पूरे सिटी में अभी पूरा परेड करने वाले हैं और सारी ट्रैफिक रुकने वाली है। चलिए देखते हैं। गार्डन्स तो मेरे पीछे ही है अभी सुप्रीम कोर्ट गार्डन्स, जो अभी देखने वाले हो। सब लोग यहाँ पे आके रुकेंगे, कुछ फैसिलिटीज़ होगी, खाना होगा और काफ़ी मस्ती होगी। चलिए देखते हैं।
फाइनली हम लोग सब जमा हो गए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट गार्डन्स में, विच इज़ इन द मिडल ऑफ द सिटी, एंड वी गोना हैव अ ग्रेट फंक्शन आउट देयर. इट इज़ हैपनिंग आउट देयर ऑन स्टेज. देयर इज़ अ ह्यूज फूड कोर्ट आउट देयर एंड एवरीबॉडी इज़ सेलिब्रेटिंग. यूनिटी इन ऑर्डर टू प्रिजर्व, प्रैक्टिस एंड प्रमोट इट्स आइडियल्स एंड वैल्यूज. HSS ऑस्ट्रेलिया कोई दम है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा. हम चलते हैं चपले से तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, उसे मिलते हैं भी भर ले तो अब देखो थम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल. Loving human being, and I believe it's he's coming to the end of his tenure. Very much Consul General, the champion. I've got him the Chabuk Master. The Chabuk Master, the reason being the loving term I use on Taki sir, is because he provides the West Australian diaspora and people from different Indian backgrounds the ability to feel the sense that unity is the only way to bring prosperity. So it's around 12:30 in the afternoon and we just finished the entire program, which included the entire India Day Parade from the middle of the city in this beautiful location. There was a function on the stage jahan pe hum logon ne kafi masti ki, kafi performances hue, aur fir end mein jo yahan ke jo mayor hain, Indian High Commissioner hain, aur jo yahan pe Indian Association ke president hain, unke speeches the. और उसके बाद सबको एक बॉक्स का खाना पकड़ाया गया और फिर अभी अपने घर पे. ओवरऑल ये एक ऐसा फंक्शन है जिससे एटलीस्ट आप अपने कम्युनिटी से जुड़े रहते हो. बहुत लोग आपको नए मिलते हैं. हम लोग जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे, हम लोगों को पता नहीं था कि ऐसा कुछ फंक्शन होता है, तो हम लोग ऐसे चले गए थे देखने के लिए. और वहाँ पे उसके बाद हम लोगों को काफ़ी दोस्त हम लोगों ने वहाँ से बनाए. सो इफ़ यू न्यू टू द सिटी, आप जानते नहीं हो कहाँ पे आना है, कैसे आना है, किससे मिलना है, दिस इज़ अ ह्यूज, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेस टू कम एंड जॉइन. तो एनी वेयर नियर ऑगस्ट, चेक द इंडियन सोसाइटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पेज ऑन फेसबुक एंड यू विल सी व्हेन द परेड डेट इज एंड व्हेन द नेक्स्ट इवेंट्स आर. So that's it for today, for a new thing, for a new journey. We'll keep you posted. And let's start a new adventure together again. Bye.